कमबैक हो तो वॉशिंगटन सुंदर जैसा, जिन्होंने आते ही 7 विकेट चटका दिए हैं। और पहले अगर बात की जाए मैच की, तो वहां पर टीम इंडिया हार कर आ रही थी और दूसरे मैच में प्लेइंग 11 में बदलाव किया गया, और ये बदलाव जो है वो कुलदीप यादव को रिप्लेस करके किया गया, यानी कि कुलदीप यादव को बाहर का रास्ता दिखाया गया और यहां पर सुंदर को एंट्री मिली। लगभग 3 साल बाद वो टीम इंडिया में कमबैक करें टेस्ट मैच में। आखिरी टेस्ट मैच की बात की जाए तो साल 2021 में उन्होंने खेला था, उसके बाद से टेस्ट मैच में मौके नहीं मिल रहे थे। लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ अगर बात की जाए यहाँ पर बैटर्स की, तो बैटर्स जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर मौजूद हैं। लेफ्ट हैंडर बैट्समैन जो है वो न्यूजीलैंड के पास मौजूद हैं, और लेफ्ट हैंडर बैट्समैन की आंकड़ों की बात की जाए तो उनके सामने सुंदर के आंकड़े बहुत ही बेहतरीन हैं, यानी कि जो बल्लेबाज लेफ्ट हैंडर्स हैं उनके सामने बहुत ही बार हमने देखा कि सुंदर ने आउट किया है, और ऐसा ही कारनामा जो है इस मैच में भी देखने को मिला। 7 विकेट चटकाए इन्होंने, साथ ही साथ इनका साथ दिया अश्विन ने 3 विकेट चटकाए। तो दोनों ही खिलाड़ियों ने जिस तरीके से फिरकी डाली है वो कहीं ना कहीं फंस गई है न्यूजीलैंड की टीम, और 259 रनों पर टीम इंडिया के गेंदबाजों ने यहाँ पर आउट किया न्यूजीलैंड की टीम को और पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। तो मैच बड़ा इंटरेस्टिंग इसलिए हुआ क्योंकि पहले दिन के खेल खत्म की बात की जाए तो टीम इंडिया की बैटिंग भी आ चुकी है, 1 विकेट जरूर गिर गया है, लेकिन यहाँ पर तारीफ करनी बनती है गेंदबाजों की। सुंदर ने अपना पहला 5 विकेट लिया, जिन्होंने बहुत सारे खिलाड़ी को आउट किया, रचिन रविंद्र को आउट किया, और जैसे ही रचिन रविंद्र जो है वो क्रीज पर टिके हुए थे और ऐसा लग रहा था कि शायद ये खिलाड़ी जो है वो शतकी पारी खेल जाएगा, क्योंकि पहले मैच में हमने देखा था कि एक शतकी पारी उनके बल्ले से आई थी, और कॉनवी जो थे वो भी लगातार अच्छी लय में नजर आ रहे थे, 76 रन की उन्होंने पारी खेली थी और वो भी शतक के बहुत ज़्यादा करीब थे। तो यहाँ पर अश्विन ने उनका विकेट हालांकि लिया, लेकिन उसके बाद जितने भी विकेट्स आए वो चटकाए यहाँ पर वॉशिंगटन सुंदर ने, और एक के बाद सारी टीम जो है वो ताश के पत्तों की तरह ढह गई थी, और एक वक्त ऐसा लग रहा था कि शायद न्यूजीलैंड की टीम जो है वो ऑल आउट नहीं हो पाएगी, लेकिन वहाँ पर सुंदर ने अपनी फिरकी का जादू दिखाया और एक के बाद सारे विकेट्स गिरते गए। तो सुंदर और यहाँ पर अश्विन की बात की जाए, दोनों ही खिलाड़ियों ने गजब की गेंदबाजी की और न्यूजीलैंड की टीम को एक तरफा कहीं ना कहीं बैकफुट पर लाकर खड़ा कर दिया था, क्योंकि एक वक्त ऐसा लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम चढ़कर खेल रही है और चढ़कर बल्लेबाजी कर रही है, लेकिन वहां पर सुंदर ने जिस तरीके से अपनी फिरकी डाली, अति सुंदरीय तरीके से उन्होंने बॉलिंग की, तो कहीं ना कहीं सुंदर का जो कमबैक हुआ है वो टीम इंडिया के लिए सॉलिड हुआ है, क्योंकि ट्रोल हो रहे थे काफी ज्यादा कि रोहित शर्मा ने गलत फैसला लिया, गंभीर ने गलत फैसला लिया, उन्हें टीम में शामिल नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि कुलदीप यादव जो है वो स्पिन काफी अच्छा करते हैं, हालांकि नो डाउट बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन सुंदर पर डाउट करना थोड़ा सा इसलिए ज्यादा हो रहा था क्योंकि कई सालों के बाद वो आए थे और इस तरीके से आप मैच खिलाएंगे तो कहीं ना कहीं ये दिक्कतें भी हो जाएंगी, प्रेशर भी काफी है क्योंकि टीम इंडिया पहला मैच हार गई है। तो सुंदर ने अपना काम कर दिया, क्योंकि सुंदर जो है जैसे ही आए उन्होंने विकेट्स की झड़ी लगा दी, 7 विकेट लिए, और टेस्ट मैच में पहली दफा ऐसा हुआ है कि 5 विकेट हॉल लिए उन्होंने, और उन्होंने कई बड़े बल्लेबाजों को आउट किया, और जिस तरीके से आउट वो कर रहे थे शाबाशी भी मिल रही थी क्योंकि वहाँ पर रोहित शर्मा भी थे और विराट कोहली भी थे, और दोनों खिलाड़ियों ने उनका जो है जोश हाई किया। और साथ ही साथ अश्विन की बात की जाए तो अश्विन जो है वो WTC में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। नाथन लियॉन की बात की जाए तो उनके रिकॉर्ड को तोड़ा है, जिन्होंने WTC में 43 मैच खेले हैं और 187 रन थे, यानी कि सबसे ज़्यादा इस ऑस्ट्रेलियाई जो गेंदबाज है उसके सबसे ज़्यादा विकेट थे, लेकिन अब ये कारनामा जो है वो अश्विन के नाम हो चुका है। अश्विन ने 39 मैचों में जो है वो 187 से ज़्यादा विकेट लिए, तो कहीं ना कहीं ये गेंदबाज जो है वो बल्लेबाजी भी कर लेता है, और गेंदबाजी में भी हमने देखा है कि अश्विन ने अपने आप को प्रूफ किया है। तो अश्विन और सुंदर को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके फटाफट से बताइए। वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिए, इसके अलावा अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ Facebook या फिर Instagram पर ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो जरूर करें ताकि भी खबर मिस ना होने पाए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर, खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।